हेलो माय डियर कैप्रिकॉन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब आपके ये पर्सन ऑन योर माइंड करंट पार्टनर या लव इंटरेस्ट या क्रश कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आप मिले हो या काम करते हो साथ में, ठीक है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एनेस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनेस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैरिज और लव लाइफ करियर किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। इस रीडिंग में आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, कब तक बात होगी, क्या ये जो पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं या फिर आपके साथ कर रहे हैं टाइम पास, इस बात का भी क्लैरिफिकेशन होगा यहाँ पे। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर भी कर देंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं वो है आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी तरह इस पर्सन ने अपना इमेज ख़राब कर लिया है आपकी नज़र में, और ये बात इनको पता है कि इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो इमेज है आपकी नज़र में बर्बाद कर लिया है, ख़राब कर लिया है। तो आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, मुझे अब अपने आप को अच्छा करना होगा एट एनी कॉस्ट, तब ये मुझे जाकर एक्सेप्ट करेगी अपने लाइफ में। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने एक्शन को लेकर बहुत एम्बैरस फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। देखिए बात यहाँ पे ये है कि कोई किसी को क्यों इम्प्रेस करेगा, कोई किसी को क्यों पैम्पर करेगा, कोई किसी को क्यों प्यार करेगा, क्यों इम्प्रेस करना चाहेगा, क्योंकि वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वैल्यूएबल होगा, दैट्स वाई। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहे हो, ठीक है। ये आपकी जैसे सपोर्टिव इंसान को अपने लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे, और इसी की वजह से ये पर्सन आपके साथ एक न्यू लाइफ को या न्यू रिलेशनशिप या एक नया नाम देना चाहते हैं। आपके इमोशंस के साथ मुझे यहाँ पे कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपके इमोशन के साथ इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब बियॉन्ड द सिंपल आई लव यू, ये जो सिंपल आई लव यू होता है ना, उसके बियॉन्ड जाकर अपनी फीलिंग को कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डेली बेसिस पे हर दिन ये पर्सन आपके लिए कुछ कर सकते हैं, एक बहुत कमिटेड रिलेशनशिप ये पर्सन आपकी तरफ लेकर आ रहा है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। उसके बाद और क्या फीलिंग है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप, और फॉरेनर भी हो सकते हैं या फॉरेन में रहते हो आप, ऐसा हो सकता है। उसके बाद है आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। देखिए अब आपके पर्सन जो है ना, ये सिर्फ बोलने वाले काम नहीं करेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है इन्होंने बहुत सारे बोलने वाले काम कर दिए, लेकिन बोल के क्या फ़ायदा। अब ये पर्सन जो है एक्शंस के थ्रू अपने प्यार को, अपने लव को आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे। तो ये खुद कहना चाहते हैं कि मैं अपने प्यार को अब अपने एक्शंस के थ्रू दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं अपने एक्शंस के थ्रू दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा समर्पित हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कहना चाहते हैं आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स। देखिए कहीं ना कहीं इनके अपने खुद के भी लाइफ के तकलीफ है, पर्सनल लाइफ जो एकदम अपना लाइफ है, ठीक है, पहले से स्कूल टाइम कॉलेज के टाइम से भी अपना कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये आपके सामने हो सकता है बहुत ज़्यादा ओपन होकर बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आपको ऐसा लगता होगा कि प्यार नहीं करते हैं। इसी वजह से अब आपके पर्सन जो है ये सारी चीज़ों को, इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स जो है उस सब चीज़ को साइड में रख के आपके पर्सन ओपन होकर आपसे बातें करेंगे, अपने प्यार को शो करेंगे, आपके लिए एक्शंस लेंगे, और बहुत एडवेंचरस, बहुत रिस्की एक्शंस भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। उसके बाद है यहाँ पे आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। अब देखिए गलतियाँ तो इसी पर्सन से हुई हैं, इसी बात का इनको पछतावा है, और ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों को ठीक करने वाला हूँ। उसके बाद क्या कहना आपके पर्सन का, तो ये कहना चाहते हैं ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखे हो, या अगर देखे भी हो तो आपके पर्सन इन पर्सन आपसे मिलकर डेटिंग करके या कुछ भी कैसे भी करके आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस सामने से देखना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन भी मिले हो, जो भी है, तो ये पर्सन आपको फिर से देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक होता नहीं कि सामने देख रहे हैं, आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ये भी अपना कर रहे हैं, लेकिन आप इनके लाइफ में तो कम्प्लीटली नहीं हो, नहीं है आपके लाइफ में, तो वो सिनेरियो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है ये कहना चाहते हैं कि मैं फिर से चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस से आ जाओ,
और मैं फिर से चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में वो प्यार फिर से डेवलप हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन डेट नाइट का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब नाइट के टाइम में आपके साथ मतलब डेटिंग वगैरह करने का सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है, देखिए आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम होना भी ज़रूरी था, इसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे यहाँ पर ट्रस्ट आप दोनों के बीच में डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी कमी है, आपकी कमी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, मतलब वाइस वर्सा आप भी इनकी कमी को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो भी आपकी कमी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो करेंट सिचुएशन है, वो जैसे आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेंस पर टिका है, ठीक है। आपके पर्सन आपके सारे फ्लॉस को, गलतियों को या कमी को एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में, इनका करेंट सिचुएशन है, आपका ऑटोमेटिकली जो रिश्ता है वो इम्प्रूव होगा और ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपका रिश्ता इन फ्यूचर, ये गारंटी है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बनिए। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एनिस्ट आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनिस्ट आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और दुनिया के किसी भी कोने में हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैरिज, लव लाइफ, करियर, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल रीडिंग्स मिलेंगे। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।